सभी विद्यार्थियों का एक बार टीसीसी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हल्ला कौन कर रहा है जी? देखो ए शांत रहो, नहीं तो यहाँ बुला करके यहाँ पर अच्छा से स्वागत करेंगे। एकदम धीरे धीरे पूछिए, उधर तुरंत मैं आ रहा हूँ। आधा मिनट तुरंत 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा, उसके बाद मैं उधर आ रहा हूँ। आज उधर इलाज चलेगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 4 में पढ़ते हैं उनका आज इलाज हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले क्लास 6 में थोड़ा सा इलाज हो जाए। पढ़ाई का हम लोग इलाज कहते हैं, घबराइएगा नहीं, हम लोग इलाज उसी को कहते हैं। कैमरा के बाद पता चलेगा। देखिए अभी हम लोग हैं सर्किल पढ़ने जा रहे हैं, हालांकि सर्किल का चैप्टर 10th में पढ़ना बड़ा जबरदस्त। आइए सबसे पहले सर्किल है क्या वहां से शुरुआत करें जल्दी जल्दी। और छोटा छोटा बच्चा भी यूट्यूब चला रहा है उधर मोबाइल का, तो अभी तक चैनल तो लोग नहीं कोचिंग वाला दबाया है लाल बटन, तो जाना और टाइप करना TCC कोचिंग सेंटर जहानाबाद और आ जाएगा, उसको क्लिक कर देना। आज कम से कम वीडियो एकदम 100-200 पार हो जाना चाहिए, मजा आ जाए। तो हम बोल रहे थे कि सर्किल क्या है। सबसे पहले व्हाट इज सर्किल, सर्किल का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। तो सर्किल एक प्रकार का क्लोज्ड फिगर है। सबसे पहला तो एक पॉइंट यहाँ पर हुआ कि हम लोग का सर्किल जो है क्लोज्ड फिगर है। जो कि बिना लाइन सेगमेंट के बना है, तुम याद रखिएगा, सर्किल इज ए क्लोज फिगर विच मेड अप ऑफ विदाउट एनी लाइन सेगमेंट। एकदम सिंपल सी बात है। आ यहीं कौन कर रहा है? अरे वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम तुम अपना कम करो। क्या कहते हैं, सर्किल जो होता है एक ऐसा क्लोज फिगर है जो बिना लाइन सेगमेंट के बना हुआ है। डेफिनेशन अगर आपको याद हो गया तो अच्छा है। सर्किल इज ए क्लोज फिगर विच मेड अप ऑफ विदाउट। एक बच्चा बोला, वो बच्चा कौन है तुम लोग को मिलवाएंगे, कौन हमसे बोलता है, कभी मिलवाएंगे तुम लोग? इसका कुछ खास हो रहा क्या? अच्छा, बच्चा हमसे बोला कि कौन बच्चा वो मिलवाएंगे। बच्चा बोला कि सर अगर लाइन सेगमेंट से अगर कोई सर्किल नहीं बनता तो आखिर बनता किस चीज से है? कुछ बोल रहा, कुछ क्या से बनता है? नहीं, कर्व लाइन से। नो, सर्किल बना है पॉइंट से, डॉट से। सर्किल डॉट डॉट से बना है। आज सब खुलासा कर देंगे, ऐसा ऐसा जानकारी देंगे आप लोग को, यही तो हम लोग का खासियत है। आप लोग भी याद कीजिएगा, सर्किल डॉट से बना है, लाइन फाइन से नहीं बना है। लाइन का ऐसे एरो लग जाता, फिर सर्किल में कहीं एरो होता है क्या? सर्किल डॉट को डॉट के ग्रुप से बना है। सर्किल का बाउंड्रिंग डॉट के ग्रुप से बना है, पॉइंट के ग्रुप से बना है। और एक बात याद रखिएगा, सर्किल का कोई लाइन सेगमेंट तो नहीं होता, और सर्किल पॉइंट से बना है। सर्किल हरेक जगह अपना एंगल चेंज करता है बाउंड्री पर, यहाँ पर कुछ और एंगल है, यहाँ पर कुछ और हो जाएगा। इसको हम लोग टेंजेंट वगैरह 11-12 में पढ़ेंगे इसी चैप्टर का, तो पहले से बेसिकली ठीक होइएगा तब ना। तो सर्किल का डेफिनेशन एवं ना करता है, टेंजेंट का नाम हम लोग रखते रहे हैं। बाप के नाम महात्मा गांधी, अब बेटा चल रहा अब्दुल कलाम बने हुए होता है ना। देखो ये सब वायरल ना हो जाए, ये सब बात ये नहीं, सब बहुत खतरनाक चीज है। महात्मा गांधी पे बोल देना, समझ रहे हैं, ब्लॉक कर देगा यूट्यूब चैनल, माफी चाहते हैं भैया। देखिए इधर अब एक सर्किल है, और इस सर्किल को डॉट डॉट से बना हुआ जिसमें कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, विदाउट लाइन सेगमेंट, विदाउट लाइन सेगमेंट है। काम की बात थोड़ा सा मैं कर दूं, इसके बाउंड्री को हम लोग ऐसे करते हैं, क्लियर है? तो थोड़ा बढ़िया सा सर्किल बनाते हैं, आप लोग तो देख ही लिए होंगे। एक सर्किल थोड़ा सा देख लिया जाए, ऊपर में थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली हम गोल बनाने का प्रयास किए हैं। सर्किल जो होता है प्योर एकदम राउंड होता है। सर्किल के सबसे बीच में जो होता है उसको सेंटर कहा जाता है। और TCC कोचिंग में भी सेंटर लगा हुआ है, तो दोनों का सेंटर सेम हुआ।
उसके बाद सर्किल के इस बाउंड्री को, बाउंड्री का कोई यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई है राम नाम का कोई व्यक्ति है देखो, और यहाँ से चलते चलते दौड़ते दौड़ते देख लो, दौड़ते 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 फिर दौड़ते दौड़ते एक बार यहाँ पर फिर आ गया, इसको हम लोग एक राउंड कह देंगे, वन राउंड कह देंगे, और एक राउंड को सर्किल में सर्कमफेरेंस कहा जाता है। सर्किल में एक राउंड को सर्कमफेरेंस कहा जाता है। और जब भी कोई राउंड लगाएगा तो बाउंड्री पर लगाएगा, खेत के आड़ी पर दौड़ेगा, ना कि कोई के फसल बर्बाद करके खेत में तुम लोग दौड़ने लगोगे, ऐसा तो नहीं होता। सर्कुलर में भी जब भी दौड़ोगे, अपने स्कूल में आप लोग का ग्राउंड होगा तो उस स्कूल के ग्राउंड में जब दौड़ते होगे तो आप सर्कुलर पाथ पर दौड़ते होगे, ना कि आप एकदम बीचवे में जाकर दौड़ना शुरू करते होगे, तो कोई आपको फिर दौड़ से हटा देगा, एक ट्रैक बना दे, गोल दौड़ना होता है। रास्ता तो दौड़ने का दो ही होता है, या तो सर्कुलर होगा नहीं तो इलेप्टिकल होगा, चपटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो चाबी भी लाइए क्या, लड़ जाओ जी, चाबियां लेके भाग गए कि आओ। तो विदाउट लाइन सेगमेंट बना है, एक राउंड को हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। और सर्किल के बाउंड्री का अगर छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया जाए, जैसे एकरा इतना दूर से काट दिया जाए, इतना दूर से इसको काट दिया जाए, इतना दूर से इसको काट दिया जाए, इस सब टुकड़वन को हम लोग अर्क कहते हैं। बढ़िया से तने ध्यान से सीख लीजिए, भगवान करेगा आगे काम ही देगा। सर्किल से जो टकराएगा वो भस्म हो जाएगा। सर्किल सबके हवा निकाल देता है, सर्किल से कोई टकराता नहीं, सर्किल से हम ही लोग टकराते हैं, सर्किल के हम लोग ऑपरेशन कर देते हैं पूरा। मेरे प्यारे बच्चों, सर्किल के बाउंड्री के छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग आर्क कहते हैं। तो सर्किल को मैं एक बार फिर से एक बना रहा हूं, बीच जो लाइन आधा आधा कर देता है उसको डायमीटर कहते हैं। उसके बाद डायमीटर के बाद एक बात और आपको याद रखना है कि सेंटर डायमीटर के आधा वाला पार्ट को रेडियस कहते हैं। एक वो डायमीटर में के वो रेडियस हो सकता है, एक डायमीटर में कितना रेडियस, दो को रेडियस हो सकता है, एक वो डायमीटर मतलब दो को, और दो को रेडियस मतलब एक को, और बारह को केला में मतलब एक, और एक स्कोर में 20 को वस्तु ऑब्जेक्ट। ये सर्किल है, इस सर्किल में अगर कोई लाइन सेगमेंट सर्किल के कोई भी पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट उधर मिल जाए बाउंड्री पर कहीं भी बीच वाला का तो डायमीटर हम लोग कह देते हैं, लेकिन बाकी जगह मिले, क्योंकि सर्किल पॉइंट से बना है, तो जब सर्किल का एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट अपोजिट वाला पॉइंट पर कोई लाइन सेगमेंट मिलता है उसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं। याद रखिएगा, सर्किल के बाउंड्री के जो पॉइंट है वो, और उसके जस्ट अपोजिट यानी जस्ट सामने वाला पॉइंट है वो, उन दोनों बाउंड्री के बीच में मिलने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं। और एक मजेदार बात बता दे कि सर्किल के सबसे बड़ा कॉर्ड जो होता है उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। सर्किल में सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है उसको, और ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आएगा कि राइट द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, राइट द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, तो आप लोग कहिएगा कि बेवकूफ मत बनाओ, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है डायमीटर ही है, और बाकी सब छोटा छोटा होता है। क्लियर हो गया, कॉर्ड तो आपको समझ में आ गया, बहुत सुंदर। अब आगे थोड़ा सा बात करें तो कुछ कुछ बात और देखिएगा। एक सर्किल में इधर देखिए, ये तो सेंटर है, और सर्किल के सेंटर तो आप लोग जानते ही हैं, अगर कोई कॉर्ड देख लो, ये है कॉर्ड, कॉर्ड है कि नहीं, और यहां से यहां तक ये कोई चीज है, बोलो क्या है, अर्क, बाउंड्री का छोटा छोटा टुकड़ा है, देखो इतना का टुकड़ा है। और कैसे अभी पढ़ाएंगे तो अभी बहुत विस्तार हो जाएगा। अर्क दो प्रकार का होता है, एक मेजर अर्क और एक
माइनर अर्क, एक माइनर अर्क और एक मेजर। तो माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बहुत बड़ा। इसमें वाला अर्क को हम लोग माइनर कहेंगे और जो बच जाएगा उसको हम लोग मेजर। तो सर्किल के कॉर्ड और अर्क के बीच वाले एरिया को, सर्किल के कॉर्ड और अर्क के बीच में जो एरिया बनेगा, जो क्षेत्र बनेगा उसको हम लोग सेगमेंट कहते हैं। कौन सा कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। ये सब सीखने वाला बात है, हम लोग नहीं सीख पाते हैं बचपन में, कम से कम सीखने से थोड़ा सा सीखे हुए रहिएगा तो अच्छा रहेगा। टेंथ में आप लोग को सर्किल बड़ा परेशान न करे, और सर्किल का एक ही डॉक्टर है, आप लोग समझ रहे हैं। सर्किल एक ही डॉक्टर से ठीक हो रहा है आजकल, न सत प्रकाश न गिरिजेश, समझ रहे हैं किसके पास ठीक हो रहा है। तो सेगमेंट आपका देख लो ऐसा है, सेगमेंट कहते हैं, सेगमेंट ऐसा रीजन है ना, सेगमेंट इज ए पार्ट बिटवीन कॉर्ड एंड माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर ही है, माइनर सेक्टर और कॉर्ड के बीच वाले एरिया को सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट भी दो प्रकार का होता है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट जो होता है वो बहुत बड़ा वाला हो गया, ऊपर वाला जो पार्ट है ये हो गया मेजर सेगमेंट। हम अभी आपको बोले कि सर सेगमेंट किसको कहते हैं, तो कॉर्ड और बड़ा सा आर्क, देखो कॉर्ड और बड़ा सा आर्क हो गया तो मेजर सेगमेंट हो गया, कॉर्ड और छोटा सा आर्क तो माइनर सेगमेंट हो गया। उसके बाद एक बच जाता है आपका, इधर देखिए, एक सर्किल में सेंटर के बाद मान लो कि कोई, देखो इधर अर्क यहाँ से यहाँ तक है, अर्क है और उस अर्क के दोनों पॉइंट पर टू गो रेडियस मिल गया सर्किल का सेंटर से होते हुए, तो जो क्षेत्र बनेगा उस क्षेत्र को हम लोग सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर। तो भैया सेक्टर में दो चीज हो गया, सेक्टर में हो गया अर्क, बाउंड्री का अर्क, वो भी माइनर अर्क, और सेंटर से होते हुए दो गो रेडियस। एक सर्किल में रेडियस का लेंथ हमेशा सब बराबर होगा, याद रखना है। अगर कोई आपको बोले एक सर्किल है और इस सर्किल का सेंटर है, इसका रेडियस ई वाला ई वाला ई वाला ऐसे करके बोले, पूरा ऐसे कर दे, ऐसे हल्ला कर रहा है जी उधर, मस्कुलीन और फैमिली जेंडर बैठ के याद करो जो खड़ा है, अभी तुरंत पूछेंगे उधर, कॉपी पर लिखो तो सब, मस्कुलीन और फैमिली जेंडर जो लिखवाए थे पूरा लिखो चेंज करने के लिए। तो एक सर्किल में बहुत सारा रेडियस हो सकता है और सारे रेडियस का लंबाई एक ही होगा, याद रखना। अगर एक सर्किल में बैठने में नहीं बन रहा, कहा नहीं बन रहा के गो, एक बीच पर तो 10 को बैठता है। पीछे वाला बेंच पर आप लोग उतारिए। अगर बोले हम सेक्टर, तो सेक्टर भी दो प्रकार का होगा, तो हर एक चीज दो प्रकार का होगा, मेजर और माइनर, ये दोनों बात आपको याद रखना है। हमने कहा कि किसी भी सर्किल के सेंटर से अर्क के दोनों एंड पॉइंट पर जो रेडियस मिले और उसके बीच में जो फिगर बनता है उसको हम लोग सेक्टर कहते हैं, और ये माइनर सेक्टर हो गया, और ई वाला जो पूरा बचा मेजर सेक्टर हो गया। तो सर्किल के कुछ कुछ पार्ट्स में सबसे पहला, मैं हल्ला नहीं, पर्दा ठीक कर दो, पर्दा ठीक करो तो उधर भी। तो सर्किल के कुछ कुछ पार्ट्स हैं जिसको आपको समझना है। अब आगे थोड़ा सा एक पॉइंट अगर बढ़े तो गौर कीजिएगा थोड़ा बढ़िया से, इधर देखिए, मिटा दें जल्दी जल्दी। आप सर्किल के सीधे फॉर्मूला की ओर बात करें, इक्वेशन का बात है, आपको लिखवा दिया जाएगा कल आप लोग का
सर्कल ही पढ़ाया होगा, परसों टेस्ट होगा संडे को, एक घंटा टेस्ट होगा, एक घंटा पढ़ाई होगा, दो घंटा का क्लास है संडे को, टाइमिंग कल बताया जाएगा। अब एक सर्कल में होता है सर्कमफ्रेंस, लेकिन सर्किल में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है पाई। जो हम लोग रामानुजन जी का नाम, रामानुजन जिसका नाम था, जिनका कल ही उनका जन्मदिन था, उन्होंने पाई के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दिया था, उनके बारे में पढ़िएगा आप लोग तो पता चलेगा। और उन्होंने कहा था कि पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का उन्होंने बताया डिफाइन कि पाई मतलब द रेशियो बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। कोई पूछा होगा कोई कि व्हाट इज पाई, तो पाई द रेशियो बिटवीन या पाई द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। पाई का मतलब ने बताया कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर इन दोनों को अगर हम रेशियो निकाल दें तो जो आएगा वो पाई आएगा। सबको इस पर हल्ला कर रहा इधर, तो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को हम लोग पाई कहते हैं। सर्किल का सर्कमफ्रेंस का मतलब अभी कुछ देर पहले बताए थे, एक चक्कर होता है बाउंड्री पर, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। पाई का वैल्यू दो होता है, पाई मतलब है तो 22/7 होता है, या पाई मतलब 3.14 होता है। पाई एक सिंबल है, पाई के जगह पर ऐसा रखा जाता है, अगर कहेगा तब ऐसा रखना है और नहीं तो ये गलत चलेगा। कह देगा कि 3.14 रखो तो रखना है, नहीं कहेगा यही रखना है। सर्कमफ्रेंस का एक और फॉर्मूला आता है पाई डी भी कह सकते हैं। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए, इसको भी लिख लीजिएगा कि डायमीटर बराबर होता है 2 गुना रेडियस, और रेडियस बराबर होता है डायमीटर बटा 2। अगर रेडियस निकालना है तो बड़का को डायमीटर से 2 से डिवाइड कर दे, आधा कर दो तो डायमीटर हो जाए, डायमीटर का आधा रेडियस, और रेडियस का दुगना डायमीटर कहलाता है। ये सिंपल सा बात है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। एक रस्सी ले लीजिए, पूरा रस्सी डायमीटर, और उसका आधा कर दीजिएगा तो दोनों पार्ट जो रेडियस बन गया। ये सिंपल सा है, सेंटर आधा करता है। ये भी फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस का है, लेकिन जब क्वेश्चन में आपका डायमीटर दिया रहेगा तब, अगर क्वेश्चन में रेडियस दिया रहेगा तो ये वाला सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, अगर क्वेश्चन में डायमीटर दिया रहेगा तो सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए वाला फॉर्मूला यूज करिएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में रेडियस पूछ देता है और सर्कमफ्रेंस दिया रहेगा तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, सर्कमफ्रेंस गुना 7/44। इससे आप लोग डायरेक्ट रेडियस निकाल सकते हो। अगर आपको डायमीटर पूछ दिया डायरेक्ट तो सर्कमफ्रेंस अगर दिया हुआ तो सर्कमफ्रेंस गुना 7/22। ये भी एक हो गया फॉर्मूला आपका डायमीटर का। अगर आप चाहते हो कि किसी फिगर में पूछ देता है कभी कभी कि टोटल रिवॉल्यूशन पूछ देगा, टोटल रिवॉल्यूशन बराबर, मैं बता रहा हूं रिवॉल्यूशन बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, ये सब काम करेगा फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस वटा सर्कमफ्रेंस। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, रिवॉल्यूशन में चक्कर, क्वेश्चन पूछेगा कि एक साइकिल है, ठीक है, एक साइकिल है, साइकिल चल करके 10 मीटर गया है दूर, ठीक है, और उस साइकिल का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो बताइए कि साइकिल कितना चक्कर घूम के गया। नहीं समझ रहा आप, तो अगर आपसे ऐसा पूछेगा तब आप इस फॉर्मूला से निकालिएगा, मतलब कि सर्किल का बोल देगा आपको कि सर्किल कितना बार घूम करके आगे बढ़ा, ऐसा पूछता है। एक और आगे चीज है, एक सर्कमफ्रेंस का एक और फॉर्मूला होता है, 3 गो फॉर्मूला देखो सर्कल का ही लिखा दिए, दिखा दे रहा होगा तब ना, नहीं दिखा दे, रिवॉल्यूशन तक दिखा दे रहा, ऊपर लिखना पड़ेगा। सर्कमफ्रेंस बराबर एक और फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस बटा रिवॉल्यूशन। आपके 6th क्लास के बुक में लास्ट क्वेश्चन दोनों यही रहेगा, दोनों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप अपना बुक दीजिए,
और इस चैप्टर को खत्म समझिए। आप लोग घर से बना के आइएगा, लाइए बुक जल्दी तो खत्म करें। मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, एक सेकेंट होता है जिसको अभी नहीं बताया, कॉर्ड, सेमी सर्कल, सब पढ़ा दिया गया है। डिफिनेशन लिखवा दिया जाएगा अगर टाइम मिलेगा तो। लेकिन तुम लोग मूर्खानंद, तुम लोग सर्किल कौन निकाले थे, एरिया एंड पेरिमीटर का मैं बोला था, और आप लोग निकाल के बैठे हो सर्किल प्योर। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। हम बोले एरिया पेरिमीटर का सर्किल निकालना है और तू लोग निकाल रहे हो 21, पता नहीं कौन सा 21 बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए जल्दी जल्दी 21 बी अभी तक जो किताब नहीं निकाला है बेवकूफ, वो देख लो। पहला क्वेश्चन है कि एक सर्किल का रेडियस दिया हुआ है 28, तो सर्कमफ्रेंस कौन फॉर्मूला लगाइएगा, सर्कमफ्रेंस बराबर रेडियस वाला ही वाला है। दूसरा नंबर आ जाए क्वेश्चन, पहला का दूसरा नहीं, दूसरा का खुद, दूसरा का पहला में देख लीजिए, सर्कमफ्रेंस निकालना डायमीटर दिया हुआ है, वही वाला फॉर्मूला लगाइएगा, दूसरा बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन में रेडियस निकालना है, सर्कमफ्रेंस दिया है, ये वाला फॉर्मूला तीसरा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन में डायमीटर निकालना है और सर्कमफ्रेंस दिया, ये वाला एकदम जैसे से चल रहा है उसे चलना है। पहला क्वेश्चन ही वाला फॉर्मूला से बनेगा, दूसरा क्वेश्चन ही वाला से, तीसरा क्वेश्चन ही वाला से, चौथा क्वेश्चन ही वाला से, पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लीजिए, डिस्टेंस बराबर होता है सर्कमफ्रेंस गुना रिवॉल्यूशन, दोनों को सर्कमफ्रेंस निकाल कर रिवॉल्यूशन निकाल दीजिएगा। और छठा क्वेश्चन ई वाला फॉर्मूला पर बनेगा, कहता है डायमीटर निकालिए, छठा क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है, रिवॉल्यूशन पूछ रहा है, रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन ई वाला फॉर्मूला, ए वाला फॉर्मूला से बनेगा लास्ट वाला क्वेश्चन, और पूरा चैप्टर ही बन जाएगा आपका। अगर नहीं बनता है तो हमें बताइएगा। और आज बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती, जय मानस इंटरनेशनल।